आज लगभग 2 सालों के बाद मैं आपको एक बार फिर से KTM की बाइक दिखाने जा रहा हूं, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2022 की बिल्कुल नई अपडेटेड KTM RC 200, उसका मोटो GP एडिशन या फिर आप मोटो 3 एडिशन कह सकते हैं, जो कि लगभग 2-3 दिन पहले ही इस शोरूम में आया हुआ है। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये सभी KTM की बाइकें उपलब्ध हैं KTM बालागंज लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आप यहां पर KTM की या फिर हुस्कबरना की कोई भी बाइक खरीद सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इस बाइक के बारे में पूरा डिटेल से कि 2022 में आपको इसमें नया क्या मिलता है, कितने फीचर्स मिलते हैं, प्राइस कितनी है और माइलेज कितनी है, पूरा डिटेल से हम बात करेंगे। पहले ही मैं आपको बता दूं भाई कि जो 2 साल पहले मैंने आपको बाइक दिखाई थी, ये बाइक अब पूरा बदल चुकी है। अगर एक शब्द में या एक लाइन में मैं आपको बताना चाहूँ तो इंजन और टायर को छोड़कर पूरी बाइक ये बदल चुकी है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके डिज़ाइन से, वो भी फ्रंट से। आप देखेंगे अब इसका फ्रंट डिज़ाइन बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसमें आपको यहाँ पर फुली LED लाइट का सिस्टम मिलता है, यहाँ पर आपको LED DRL मिलते हैं और यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिलता है और यहाँ पर RC 200 इस पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो आप लाइट देख सकते हैं ये आपको KTM ड्यूक में भी मिल जाएगी और इस पर वाइजर लगाया गया है। एक बार मैं इसको ऑन करके आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर दोनों DRL इसके ऑन हो चुके हैं और ये इंडिकेटर हैं, मैं इसको भी ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ, दोनों तरफ के दिखा दूँ। इधर के इंडिकेटर आप देख सकते हैं। तो ये इसका फ्रंट डिज़ाइन है और अब मैं आपको साइड से दिखाना चाहूँगा इस बाइक को और आप देखेंगे भाई ऑरेंज कलर में ये बाइक गजब ही लग रही है। पहले जो इसका कलर आता था अब उससे कहीं ज़्यादा ये बेहतर हो चुकी है और उस पर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो आप देख रहे हैं लाइट पड़ रही है, थोड़ा सा चमक रहा है, लेकिन ये मैट ऑरेंज है बिल्कुल, ये जैसे ग्लॉसी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे ये ग्लॉसी है और यहाँ पर आप देखेंगे ये मैट फिनिश है। तो इसमें कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे ऑरेंज, ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन इस बाइक में आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे KTM इसमें ब्लैक से लिखा हुआ है, RC 200 जिसमें ब्लैक और वाइट का इस्तेमाल किया गया और KTM बड़े से रेडी टू रेस। और यहाँ पर आप देखेंगे मोटोरेक्स ऑयल फॉर स्विट्जरलैंड WP, इसमें आपको ये देखेंगे अपसाइड डाउन फोर्क मिलता है, वाइट पावर कंपनी का इसमें आपको सस्पेंशन मिलता है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और अभी डिटेल से बताऊँगा, सबसे पहले कुछ और दिखा दूँ। रेस कंपटीशन अगर मैं आपको एक बार में बताना चाहूँ इस बाइक के बारे में, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंजन और टायर को छोड़कर इस बाइक को पूरा बदल दिया गया है, तो इसके जैसे फ्रंट हेडलाइट और इसका वाइजर साइड पैनल, इसको और ज़्यादा एरोडायनामिक बनाया गया है, जिसमें आप देखेंगे इसका पेट्रोल टैंक अब पहले से बड़ा कर दिया गया है और इसको भी चेंज कर दिया गया, क्योंकि पहले आपने देखा होगा यहाँ से खोल कर इसमें बैटरी लगती थी, लेकिन अब इसमें यहाँ से खोलना पड़ता है और ये पूरा यहाँ से ये एक ही पार्ट में बनाया गया है। और ये भी मैं आपको दिखा दूँ, पहले जो इसकी सीट थी वो थोड़ी सी हार्ड थी तो इससे लोगों को शिकायत होती थी, लेकिन अब आप देखेंगे इसकी जो राइडर सीट है इसको इसकी कुशनिंग काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है और पीछे जो पिलियन बैठेंगे उनके लिए भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है। और पीछे जैसे जब आप पीछे इसके इनके पहले वाले मॉडल में देखे थे तो कोई भी ग्रैब रेल नहीं मिलते थे, लेकिन अब ग्रैब रेल मिलते हैं, तो जैसे जो पिलियन बैठेंगे उनको भी कम्फर्ट इसमें फील होगा क्योंकि वो इसको पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा इसमें अगर देखा जाए तो पूरी बाइक बदल दी गई है और इसके अलावा 1.5 किलोग्राम इसका वजन जो है वो कम हो चुका है। अब थोड़ा सा और डिटेल से बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको पीछे का लुक दिखाना चाहूंगा। इसमें ग्रैब रेल लगने से बैकलाइट तो वही है, लेकिन इसका पीछे का मडगार्ड और इसके सीट काउल ये सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 200 रेडी टू रेस और यहाँ पर ये सारी चीज़ें नई है। टायर मैंने आपको बताया 150 mm का वाइड रेडियल टायर इस बाइक में आपको मिल जाता है, 230 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है और वो भी ड्यूल चैनल ABS के साथ मिलती है। और यहाँ पर आप देखेंगे टायर हगर लगा हुआ है जिस पर KTM इसमें लिखा हुआ है। भाई बैक लाइट का डिज़ाइन आप लोग बताएं कि आपको इसकी बैक लाइट का डिज़ाइन और चौड़े टायर के साथ इसका बैक प्रोफाइल आपको कैसा लग रहा है, इसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंडिकेटर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर छोटे से इंडिकेटर आपको मिलते हैं, एक बार मैं इनको ऑन करना चाहूँगा। ये इसके इंडिकेटर हैं। तो पहले से ये बाइक थोड़ी सी ज़्यादा भारी लगती है, मतलब थोड़ी सी जैसे मस्कुलर और ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि पेट्रोल टैंक थोड़ा सा पहले से ज़्यादा बड़ा हो चुका है और ये जो जैसे इसके साइड पैनल हैं इनको थोड़ा सा जैसे एरोडायनेमिक बनाया गया है, तो पहले से ये बाइक ज़्यादा बेहतर लगती है। और पहले जब आप देखते थे तो आगे बहुत ही शार्प डिज़ाइन था, लेकिन अब इसमें काफ़ी बड़ा सा एक मास्क लगाया गया है जो कि आपको मुझे लगता है कि पसंद आएगा। और जैसे आप ये साइड व्यू मिरर देख रहे हैं ये भी पूरा चेंज इसमें कर दिए गए हैं और यहाँ तो इंडिकेटर मैंने आपको दिखा दिया। अब हम अगले टायर की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे भाई 110/70
R17 का ट्यूबलेस रेडियल टायर है। यहाँ पर आप ये जरूर ध्यान से देख लें, इसमें आगे भी आपको ट्यूबलेस टायर के साथ साथ रेडियल टायर मिल रहे हैं। जैसे ज़्यादातर आपने बाइक में देखा होगा पीछे आपको रेडियल मिलते हैं लेकिन आगे आपको रेडियल नहीं मिलते हैं, लेकिन इसमें पीछे भी रेडियल टायर मिलते हैं। और पीछे मैं आपको दिखा दूँ जरा, यहाँ पर आप देखेंगे 150/60 R17 का ट्यूबलेस रेडियल टायर आपको इस बाइक में मिल जा रहा है। और वहीं अगर हम ब्रेक की बात करें भाई, तो ड्यूल चैनल ABS के साथ इसमें ब्रेक आपको मिलती है, 320 mm की आगे डिस्क ब्रेक मिलती है जो कि लेफ्ट साइड में लगाई गई है। इधर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी सी इसमें आपको डिस्क प्लेट मिलती है, क्योंकि इस बाइक को जैसे स्ट्रीट रेसिंग हुई या फिर आप सिटी राइड करें या फिर आप ट्रैक रेसिंग करें तो उस हिसाब से बनाया गया है। तो उसी हिसाब से इसमें जैसे आगे और पीछे रेडियल टायर, अप साइड डाउन फोर्क आपको मिलते हैं, वो भी 43 mm के मिलते हैं, WP Apex USD फोर्क मिलते हैं, जिनका आगे का ट्रेवल है 120 mm और पीछे वाले का है आपका 150 mm ट्रेवल गैप है। और इसके अलावा आप इसको 10 बार एडजस्ट कर सकते हैं, इसका जो सस्पेंशन है, जैसे नॉर्मली आपने बाइक में देखा होगा 5 बार आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप 10 बार इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी रेसिंग मशीन है जिसमें आपको लगभग सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब हम थोड़ा सा इसके मीटर की तरफ चलेंगे, क्योंकि भाई इसका मीटर भी पूरा चेंज हो चुका है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जैसे इससे पहले वाले मॉडल में आपने देखा होगा जब आप हैंडल मोड़ते थे तो हाथ आपके यहाँ पर फंस जाते थे, लेकिन इसको 10 mm थोड़ा सा ऊपर किया गया है, जिससे जो आपका राइडिंग पोजिशन है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि आप सिटी राइड कर सकते हैं, तो अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा कम्फर्ट फील होगा पहले के मुकाबले। अब इसके अलावा हम भाई थोड़ा सा इसके मीटर को दिखाएंगे। पहले छोटा सा मीटर हुआ करता था, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ड्यूक में मीटर लगा हुआ है यही मीटर आपको इसमें मिलता था, लेकिन अब भाई एक बड़ा सा LCD फुली डिजिटल मीटर आपको इस बाइक में मिल जाता है, जो कि देखने में अच्छा लगता है। हाँ, ये ब्लैक एंड वाइट है, ये कलर नहीं है। मैं इसको एक बार ऑन करके इसको हटा देता हूँ। अब आप देखें, एक बार बंद करूँ और रेडी टू रेस। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे इंजन किल स्विच, और यहाँ पर लाइट आपको मिल रही है सेल्फ की स्विच, यहाँ पर आपको ये हाई बीम लो बीम इंडिकेटर हॉर्न, और ये हाई बीम लो बीम। यहाँ पर आप देखेंगे न्यूट्रल ABS इंजन चेक लाइट, साइड स्टैंड का बता रहा है क्योंकि साइड स्टैंड पर लगी हुई है ये बाइक। और यहाँ पर ये लो फ्यूल वार्निंग आपको मिल जाती है, RPM लिमिट की लाइट अभी भी मिल रही है। और यहाँ पर देखेंगे छोटा सा बटन है, ये आपको पता नहीं चलेगा, तो यहाँ पर मैं इसको ज़रा सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रिप 1 ट्रिप 2 ABS, ये सारी चीज़ें इन्फो इसमें मिल जाती हैं। फ्यूल रेंज इसमें आपको मिल जाती है, कितना जाएगी, RPM मीटर यहाँ पर मिलेगा, स्पीड यहाँ पर बताएगी, गियर पोजीशन इंडिकेटर इसमें आपको मिल जाता है। तो इतने सारे फीचर्स के साथ ये आता है, और बड़ी सही जैसे LCD पैनल इसमें आपको दिया गया है, तो जिससे आपकी बाइक भाई जो है वो देखने में भी अच्छी लगेगी, और जब आप इसको चलाएंगे तो आपको एक अलग ही मज़ा इसमें आने वाला है। X-O-ring के साथ इसकी पीछे की चेन काफ़ी बढ़िया मोटी और प्रीमियम क्वालिटी की इसमें दी जाती है। पूरा यहाँ से पूरा सिस्टम दिया गया है कि अगर आप बाई चांस किसी को बैठाते हैं लेडीज़ को, तो उसमें कुछ फंसे ना, तो इसके लिए दिया गया है। साइड स्टैंड वही है, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं किया गया है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें वही आ रही हैं, एल्युमिनियम के साथ आती थी जबकि इसको लोहे का देना चाहिए था, ये मैंने कई वीडियो में KTM कंपनी को कहा है। फिलहाल अगर हम इसके सीट हाइट की बात करें तो 835 mm इसकी सीट हाइट है, 1340 mm इसका व्हील बेस है, वजन है 151 किलोग्राम, ड्राई वेट है इसका, कर्ब वेट है 160 किलोग्राम, और इसमें पेट्रोल टैंक 13.7 लीटर का लगाया गया है। तो 835 mm सीट हाइट है, तो मतलब जैसे जो शॉर्ट राइडर हैं उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एक मिनट भाई, इधर आओ ज़रा, अब मैं बैठ के आपको दिखा दूंगा। हाँ, आ जाओ, एक कैमरा पकड़ लो ज़रा, एक मिनट भाई, ये भी पकड़ लेना ऐसे, और ऐसे कैमरा मुझे दिखाना ज़रा, कैमरे की तरफ नहीं, इधर ले, ऐसे ठीक भाई, अब मुझे दिखाओ। अब मैं आपको इस पर बैठ कर दिखाता हूँ, हालत ख़राब है, पूरा दिन दौड़ा हूँ मैं आज। KTM के शोरूम में भीड़ भी बहुत थी, बालागंज के शोरूम। हाँ, तो अभी मेरी हाइट है, पूरा दिख रहा हूँ, थोड़ा पीछे हो जाओ, पूरा दिखाओ भाई। मेरी हाइट है 5.8 या 9 इंच, और मुझे सिर्फ पंजे मुझे रखने पड़ रहे हैं, मेरी एड़ियाँ स्प्रेन नहीं आ रही हैं। तो 835 mm सीट हाइट है, तो लगभग जैसे मेरी जितनी जिनकी हाइट है वो बहुत ही आराम से चला लेंगे, लेकिन जैसे जिनकी 5.23 या 5 है उनको थोड़ा बहुत जैसे पैर रखने में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी तो एकदम झक्कास है। अब मैं आपको इसका साउंड सुनाऊंगा, और जो कि आपको मज़ा आएगा भाई। एक बार फ्रंट से आ जाओ, यहाँ सामने से दिखा दो एक बार,
अब आप हेडलाइट देख सकते हैं, और जरा मैं इसका साउंड वहीं रहो आप, इसमें अंडर बेली एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है जो कि मैं एक बार फिर से स्टार्ट करके तो सबसे पहली बात तो मैं आपको इस बाइक के बारे में बता दूं। भाई थोड़ा सा इधर आ जाओ, देखो दिख रहा हूँ मैं, हाँ सही दिख रहा हूँ एकदम बढ़िया। हाँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे पहले वाली जो बाइक थी उससे कहीं ज़्यादा बेटर ये बाइक लग रही है, और देखने में भी, और जैसे इसमें जो कलर करेक्शन अब दिया गया है, जैसे यहाँ पर मैट ऑरेंज, यहाँ पर ग्लॉसी ऑरेंज, तो ये चीज़ इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और बाइक कैसी लगी आप सब लोगों को कमेंट सेक्शन में बताएं। भाई 2 लाख कितना, 2,15,000 लगभग ऑन रोड, लगभग लगभग 2,50,000 के आसपास, क्योंकि आप इसमें कौन सी एसेसरीज लगवा रहे हैं, कौन कौन सा सिस्टम ले रहे हैं, ये KTM बालागंज पर आने के बाद आपको पता चलेगा। 2,15,000 एक्स शोरूम प्राइस है यहाँ लखनऊ उत्तर प्रदेश की। माइलेज क्या आप बताएंगे? 35 से 40 ये कंपनी बताती है, 35 से 40 तक की माइलेज इस बाइक में आपको मिल जाएगी, जो कि पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया इंजन बदला नहीं है, वजन 1.5 केजी रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपको माइलेज वही मिलने वाली है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।